चलिए दोस्तों आज की न्यूज भी चालू करते हैं कुछ धमाकेदार न्यूज के साथ। जी हाँ, एप्पल का वैल्यूएशन क्या है दोस्तों? जी हाँ, पिछले साल वो $1 trillion में पहुंच गए थे, लेकिन उनकी जो सेल थी नीचे जाने के बाद उनकी वैल्यूएशन भी गिर गई। अब फिर से चाइना में उनके जो सेल्स है थोड़े अच्छे हो गए हैं, तो आज स्टॉक मार्केट में कुछ 4.5% से उनके जो शेयर्स है वो बढ़ गए और फिर से क्रॉस कर दिया है उन्होंने $1 trillion का मार्केट वैल्यूएशन। इसका मतलब दोस्तों पता है, मैं बताता हूं आपको कितना होता है $1 trillion, 70 लाख करोड़ रुपए एप्पल का वैल्यूएशन। सोचिए, HTC दोस्तों ये अच्छे फोन्स लाते थे, जी हाँ, लेकिन पिछले एक साल से एक भी फोन HTC का नहीं आ गया है। जी हाँ, वो इंडिया के बाहर चले गए ऐसे लग रहा था, लेकिन अब न्यूज ऐसी आई है कि अगस्त में HTC लॉन्च करने वाला है एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन। और ये सिर्फ फ्लैगशिप लेवल का ही नहीं होगा, जो सोर्सेस है वो कहते हैं कि ये जो नया फोन आएगा इसमें बहुत सारे फर्स्ट होने वाले हैं। इसका मतलब जो इस फोन में होंगे किसी भी दूसरे फोन में नहीं आएगा, पहली बार किसी HTC फोन या फिर किसी भी फोन में आने वाला है। तो ये फ्लैगशिप लेवल का होगा इतना तो पता है, लेकिन प्राइस क्या होगी दोस्तों? क्योंकि दोस्तों HTC के जो प्राइजेस होते हैं हमेशा ओवर प्राइज होते हैं, इसकी वजह से सेल्स नहीं है, इसकी वजह से पहले वो बाहर चले गए थे, अब उन्होंने लाने चाहिए अच्छे प्राइजेस पे HTC फोन्स। और दोस्तों आप अगर नए हो तो बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभु देसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 481। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, सब नोटिफिकेशन 100% मिल जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी सब्सक्राइब हो पहले से तो मत क्लिक कीजिए, अनसब्सक्राइब हो जाओगे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। साथ में दोस्तों रियलमी एक्स का जो गिव अवे चल रहा था उसके विनर्स हमने अनाउंस कर दिए हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, जाके वीडियो देखिए, उधर फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए, बहुत सारे नए गिव अवे भी आ रहे हैं। और एक गिव अवे के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ही देरों में, जरूर रुकिएगा उसके लिए। Huawei Y9 Prime 2019 एडिशन लॉन्च हो गया है आज इंडिया में, इसकी प्राइस आई है 15,999। इसका मतलब मिड रेंज में आ गया है और एक फोन, और ये हैशटैग पॉपअप किंग होने वाला है। जी हां, टीज कर रहे थे बहुत दिनों से, आज लॉन्च हो गया है। और जो मैं गिव अवे की बात कर रहा था दोस्तों, यस, हमने किया है इसका भी गिव अवे, 3 दे रहे हैं Huawei Y9 Prime 2019, तो पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, 3 यूनिट्स है, क्या पता जीत पाओगे, डेफिनेटली पार्टिसिपेट। दोस्तों ज्यादा दूर नहीं है, Huawei Mate 30 Pro ये आने वाला है अगस्त के एंड या सितंबर में आने वाला है, और उसके धीरे धीरे स्पेसिफिकेशंस भी बाहर आ रहे हैं। अब बहुत ही बड़ी एक स्पेसिफिकेशन बाहर आई है उसके कैमरा के बारे में। जी हाँ, पीछे की तरफ ट्रिपल कैमराज होने वाले हैं इसमें, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें 2 48 megapixel के कैमराज होंगे और दूसरा जो तीसरा जो होगा वो कुछ 8 megapixel का होने वाला है। कोई कह रहा है कि ये 40 megapixel जो दो कैमराज है 40 मेगापिक्सल के होने वाले हैं, जो सोनी IMX600 सेंसर के हैं। जब आएगा तब सब कुछ बताएंगे, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन दो साथ में दोस्तों इसमें सीने लेंस नाम होने वाला है, सीने लेंस नाम का एक फीचर होगा जो बेसिकली जो आप सिनेमा खींचते हो, इसका मतलब वीडियोस खींचते हो, उसके लिए होने वाला है। सो दिस विल बी अ ग्रेट फोन फॉर सिनेमेटोग्राफर्स। और दोस्तों ये जो मिड रेंज का है वो हर हफ्ते एक नया फोन आ रहा है, पूछिए मत, 15,000 से 20,000 की जो प्राइस रेंज है, पहले ऐसे 10,000 से 15,000 में हुआ करता था, 15,000 से 20,000 में हो रहा है। 7 तारीख को वीवो का भी वीवो S1 आने वाला है, इसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह आ गए हैं बाहर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये पहला फोन होगा जिसमें हीलियो P65 ये प्रोसेसर होगा, लेकिन अब आप प्री ऑर्डर्स भी कर पाओगे ऑफलाइन स्टोर्स में, और बहुत सारे ऑफर्स भी है HDFC कार्ड्स वगैरह पे, 2,500 ऑफ पेटीएम पे, 2,500 कैशबैक, और ऐसे कहा जा रहा है कि इसकी प्राइस जो होगी 4GB 128GB वर्जन वो कुछ 15,000-16,000 के करीब होने वाली है, और अगर 2-3 हज़ार आपको कैशबैक मिलता है तो 12,000 में मिल जाएगा। सोचिए क्या कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आ रही है आज। और दोस्तों नेटफ्लिक्स ने एक नया एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया है जहां पे वो ट्रैक करेंगे आपकी फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, एक यूजर ने ट्विटर या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे एक स्क्रीनशॉट डाला है जहां पे नेटफ्लिक्स का जो मोबाइल ऐप है वो उनको उसकी परमिशन पूछ रहा है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको लोगों की फिजिकल एक्टिविटी क्यों चाहिए? हम तो वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखने दीजिए, हम जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उससे आपका क्या लेना। लेकिन नेटफ्लिक्स बोलता है कि ये हम आपका जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, इसके लिए हम ले रहे हैं, और ये एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत कम लोगों को गया है ये, बाकी लोगों को नहीं। लेकिन क्यों जरूरत क्या है वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी क्यों चाहिए?
और दोस्तों प्रोसेसर्स की दुनिया में से स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स की दुनिया में एक इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है। यूनिसॉक का टाइगर T710 नाम का अनरिलीज्ड प्रोसेसर है, ये बेंचमार्क्स पे आ गया है, AI बेंचमार्क्स के ऊपर, और वो बीट करता है किरिन 810 इस प्रोसेसर पे जो सबसे टॉप पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। 810 जो किरिन 810 है सबसे ऊपर है, उसको भी ये बीट करता है। और इसकी अगर प्रोसेसिंग पावर देखी गई तो P90 ये जो प्रोसेसर है MediaTek का उससे भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल यूनिसॉक जो अभी तक एंट्री लेवल स्मार्टफोन जो 5000 के नीचे 7000 के नीचे इसमें वो प्रोसेसर देते थे, अब आ रहा है जी हाँ हायर प्रीमियम मिड रेंज फोन्स में। तो अभी फोन कौन सा होने वाला है ये पता नहीं है क्योंकि प्रोसेसर भी रिलीज नहीं है, लेकिन बेंचमार्क्स पर आ गया है। और दोस्तों जब ये पहला आया था, पहला वर्जन आया था, धूम मचा दी थी, इतने सारे लाखों लोगों ने फोन लिया था, और ये एक फीचर फोन था। मैं बात कर रहा हूँ जियो फोन की। फोन जो पहला था बहुत पॉपुलर था, सेकंड पॉपुलैरिटी नीचे आ गई, लेकिन अब जियो फोन 3 आ रहा है। और ऐसे कहा जा रहा है कि अगस्त 12 को जो रिलायंस की AGM होने वाली है इसमें ये अनाउंस होगा। और एक खबर आ रही है MediaTek का प्रोसेसर होने वाला है इसमें, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। MediaTek का प्रोसेसर जियो फोन 3 में जो फीचर फोन है जो 4G को सपोर्ट करेगा, वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। और दोस्तों Redmi Note 7 Pro जिन्हें लेना था और अभी तक जो फ्लैश सेल्स चल रहे थे उसमें आप ले नहीं पाए, अनलकी थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चला गया है ओपन सेल में, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके खरीदिए अभी तक आप खरीद नहीं पाए तो। और एक बात Xiaomi ने कही है कि उनका जो नोट 7 सीरीज है 5 मिलियन बेचे हैं उन्होंने सिर्फ इंडिया में 5 महीनों में, हर महीने में 1 मिलियन बेच रहे थे नोट 7 सीरीज के फोन्स, दैट्स रियली ग्रेट नंबर। दोस्तों ब्लैक शार्क 2 प्रो, ये जो ब्लैक शार्क 2 था उसका नेक्स्ट वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है जो आने वाला है 855 प्लस पे। जब Xiaomi ने इसके बारे में कहा, Xiaomi ने नहीं ब्लैक शार्क ने क्योंकि सब ब्रांड है, उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि इसका जो स्कोर होने वाला है 5 लाख के ऊपर होगा अंतुतु का स्कोर, लेकिन एक यूजर ने टेस्ट किया और ऐसे पता चला कि इसका स्कोर कुछ 4,56,000 यानी 4,56,000 के करीब है, विच इज नॉट बैड, अभी तक सबसे ज्यादा यही स्कोर है। फिर भी आप क्लेम क्यों करते हो 5 लाख जब 4,50,000 इसका स्कोर होने वाला है। जी हाँ, किसके साथ ऐसे ही हुआ, K20 Pro के साथ, उन्होंने बताया था कि सबसे फास्टेस्ट, लेकिन अंतुतु स्कोर के हिसाब से नहीं। दोस्तों हमारे इधर वो ढोल के आवाज बढ़ रहे हैं बैकग्राउंड में, तो सॉरी अगर आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन आपको और एक Xiaomi की खबर दे दूं, Mi Mix 4 जो आने वाला है इसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग होने वाला है। और आज का सवाल है, पहला फोन जिसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग था वो किसमें था, चलिए देखते हैं कितने लोगों को आता है। इनफैक्ट आज का जो मैं पेटीएम वाउचर देने वाला हूं ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट का, वो यही होगा, कौन सा पहला फोन था जिसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग था, चलिए देखते हैं कितने लोगों को आता है। चलिए दोस्तों होती है टेक न्यूज खत्म इधर ही, मैंने ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट के बारे में तो ऑलरेडी बोल दिया आपको, लेकिन कल के जो विनर है हमारे ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट के वो है कुलदीप सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन। भेज दीजिए आपका पेटीएम का ईमेल आईडी, हम भेज देंगे आपको पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और दोस्तों अब वक्त होता है हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे ट्रैक इन टेक के सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स, और कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं अर्जुन धुमाल, सुजीत ठाकुर और अलकेश मौर्य। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या जबरदस्त कमेंट डाले, ऐसे ही कमेंट डालते रहिए, हम आपका नाम लेते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 481 खत्म होती है इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं वो कर दीजिएगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में है, एंड यू नो व्हाट, रिमाइंड करना मेरे हाथ में है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।